श्रीमती नवनीत राम रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ द सेंसस रिपोर्ट इट इज अ फ्यूटल एक्सरसाइज एंड आई फुल्ली सपोर्ट द बिल विद दिस रिजर्वेशंस ओबीसी समाज के लोगों को न्याय देने के लिए ओबीसी बिल लाया उसका मैं स्वागत करती हूं तथा महाराष्ट्र के सभी ओबीसी समाज के तरफ से पंतप्रधान जी का आभार प्रकट करती हूं। हमेशा महाराष्ट्र में पिछले दो वर्षों से कुछ भी चीज़ अगर गलत होती है तो बोलते हैं ना बच्चों की तरह बड़ों पे उंगली दिखाते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये केंद्र सरकार ने नहीं किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, मुझे अप्रिशिएट करे, अगर बुरा होता है तो केंद्र सरकार ने किया। ये तरीके से पिछले दो सालों से हमारे महाराष्ट्र में चलते आया है और जिस तरीके से ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा था परंतु आज केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और उस बिल के माध्यम से ओबीसी समाज के साथ साथ मराठा और धनगर समाज के लोगों को भी अधिकार और न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के सभी ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षण और नौकरी में ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद सभी सुविधाएं मिलेंगी तथा उसके जल्द से जल्द लाभ मिलने के लिए मैं इस सदन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आग्रह विनंती करूंगी कि दो दिन का स्पेशल अधिवेशन बुला के इस बिल के ऊपर चर्चा करके ओबीसी समाज को न्याय देने का काम ये महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए, ये मैं उनको विनंती करती हूँ। आई हैव जस्ट हर्ड द ऑपोजिशन लीडर हैज स्पोक इन द मॉर्निंग इटसेल्फ अबाउट दिस बिल। उन्होंने बड़ा अच्छे से कहा है कि पिछले ओबीसी समाज में आज भी कई फार्मर्स, कई गरीब, कई विद्यार्थी आज भी गरीब और मट्टी के घरों में रह रहे हैं, पर इसके पीछे कारण कौन है? जिन्होंने 70 वर्ष राज किया है वो इसके पीछे का कारण है। ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिला पाए। क्या आज जो 7 सालों में जो सरकार यहाँ पे बैठी है उन्होंने जो न्याय देने का काम किया वो गलत है कि आप गलत है? ये आप ही खुद अपने विषयों पर एक बार सोचना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से पिछले 2014 से सर 2 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट सर, आई एम नॉट नाइदर योर नाइदर योर, जस्ट 1 मिनट, 1-2 मिनट्स। जब देवेंद्र जी हमारे महाराष्ट्र के सर 2 मिनट्स सर, वन एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट सर, वन वन आई जस्ट वांट टू टॉक आफ्टर मी, यू कैन टॉक अप, जस्ट होल्ड अ मिनट। सी देयर लाइक मोर 6 पीपल टू स्पीक एंड देयर जस्ट 12 मिनट्स, सो जस्ट स्टिक टू 3 मिनट्स प्लीज, डोंट मेक इट अनकंफर्टेबल फॉर मी टू। थैंक यू सो मच। जब देवेंद्र सरकार जी की सरकार हमारे बीजेपी सरकार जब थी और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे उन्होंने एक स्पेशल ओबीसी विभाग बनाया गया था तथा इसके ओबीसी मंत्रालय का दर्जा दिया था। ये पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे आईएएस ऑफिसर नियुक्त किया था और ओबीसी के लिए जो काम देवेंद्र जी ने किया कोई भी राज्यों में ऐसा अभी तक मंत्रालय जिसको मंत्रालय का दर्जा मिले ऐसे कोई भी राज्य में अभी तक नहीं हुआ है। एंड दी अदर पीपल फ्रॉम माई कोलीग्स हु सिटिंग इन दी हाउस दिस टाइम जो महाराष्ट्र में आज सरकार चला रहे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कही है कि सोने की थाली हमारे सामने रख दी है पर ना उसमें अचार है ना खाना है। 32 वर्ष जिन पार्टी के साथ अलायंस में आपने अचार भी खाया, सोने की थाली भी देखी, खाना भी खाया, तब आपको सब चीज़ें मिल रही थी। मुझे उम्मीद है कि वो सोने की थाली दे के फिर हमारे तरफ ये सरकार के तरफ आएंगे और महाराष्ट्र में फिर ये सरकार के साथ बैठेंगे। ऐसी शिवसेना और शिवसेना का एक बड़ा अच्छा धोरण है कि बोलते हैं हमारे मराठी में एक मन है, मैं बताऊंगी, महाराष्ट्र एक मन बोली जाते कि पोटात का है यानी होटात का है, इसका अर्थ होता है पेट में क्या और होटों पे क्या। ये समझना बहुत कठिन है क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने अपना स्पीच दिया और बताया ओबीसी के बारे में तो ओबीसी को न्याय देने के हित में नहीं है, ना ही इनका समर्थन किया, ऐसी ये सरकार है सर। लास्ट वन मिनट सर, आई जस्ट थैंक्स प्रधानमंत्री जी एंड दी मंत्री जी जो यहाँ पर हैं जिन्होंने ये बिल लाया ओबीसी को न्याय देने के लिए, पिछड़े वर्ग को समझने के लिए। और ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि ये आवाज सुनकर सर, लास्ट 30 सेकंड सर, सर मीर कूड़ा तेलुगुवाड़े नेन कूड़ा तेलुगुवाड़े मीर चेयर लो कुर्चन काबट्टी नाको ओक मिनट इवंडी ओक मिनट। और जिस तरीके से सर, जिस तरीके से ऑपोजिशन वाले ने कहा कि आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम प्राउड ऑफ महाराष्ट्र, बट आई एम हाफ पार्ट ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना ऑल्सो मैडम, बट मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी कि ओबीसी की आवाज सुनकर जो अधिरंजन जी ने कहा कि आप
the mic. Yeah.